1983 के अलविदा फरियाद रहो, हम भी गुस्से के यही। तो खुदा खैरियत है ना? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही बस। फिर कब जाने का प्रोग्राम है उनकी तरफ? बस जाना है, मैं आपको बता दूंगा। अंकल, मैं कुछ वांटेड आस्क यू समथिंग। मैं पूछना चाहता था कि कुछ नहीं। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या पूछना है? नहीं, वो एक्चुअली मैं बस ये पूछना चाहता था कि आपने कहा था कि सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी से आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। क्या यादें हैं वो? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अलाय के पेरेंट्स भी उसी यूनिवर्सिटी में थे। तो पता है तुमको कि तुम्हारे बाबा, मैं और हिमायूं बेस्ट फ्रेंड्स इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यहीं से ग्रेजुएशन, और बाद में भी यहीं हैंग आउट करते थे। जब तुम्हारे बाबा से मेरी शादी हुई तो तुम्हारे बाबा बीमार हुए, हमने हिमायूं को बुलाया। उसने कहा कि वो कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जा रहा है और आ जाएगा। अगर वो नहीं आया, मैं अकेली इस शहर में फिरती रही, किसी को नहीं जानती थी, मेरा कोई नहीं था ना तुम्हारे बाबा का। तुम्हारे बाबा चले गए और उनके आखिरी अल्फाज थे, काश हिमायूं यहाँ होता, काश हिमायूं यहाँ होता। मतलब ये है कि तुम मुझसे सफाइयाँ मांग रहे हो? अच्छा नहीं अंकल, मैं कौन होता हूँ आपसे कोई भी सफाई मांगने वाला? मैं तो बस ऐसे ही बोल कहानी अपनी जुबानी। सॉरी, चेहरा है एक कहानी, बोल कहानी अपनी जुबानी। रोहान, मैंने तुम्हें बहुत ट्रस्ट करके ये बात बताई है, तो अंकल से इस बारे में कोई बात ना करना, इट इज नॉट फॉर नाउ। आई प्रॉमिस यू, नहीं करूंगा। आई स्टूपिड नहीं हूं मैं, आई वांट टू ऑप्ट इन, आई प्रॉमिस। तुम्हें पता है मामा ने तो मुझे बहुत मना किया था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात ना करूं। पता नहीं कौन कौन से उन्होंने मुझे वास्ते दे दिए थे कि मैं तुमसे ना मिलूं और हमारा फ्यूचर भी ना सोचूं। व्हाट, इतना आसान है उनके लिए सब कुछ कह देना? एनीवे, देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी मामा को हम मना लेंगे। जहाँ तक बात है अंकल की, तुम्हारी मामा की जिंदगी से उनका गायब हो जाना शोर उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होगा, कोई रीजन तो होगा जो हम नहीं जानते। तो एक और बात, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से कुछ ज़्यादा ही गहरी यादें जुड़ी हैं। जब भी उस यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है, डिफीज हो जाता है। That's it. So what I'm trying to say is कि I'm sure तस्वीर का कोई दूसरा रुख है जो हमें नहीं पता। नहीं रोहान, अगर बात मामा की है तो मेरे लिए तस्वीर का एक रुख ही है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम अंकल से बहुत प्यार करते हो, पर फरमान में इस बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। फिलहाल जरूरी यह है कि तुम्हारे अंकल मेरे मामा और बाबा की मुश्किल, और मैं नहीं चाहती रोहान कि इसकी सजा हम ही मिले। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उर्दू कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी? बहुत ही स्टुपिड कोशिश थी ये टॉपिक चेंज करने। आई स्वेयर ऐसा नहीं है, सही बोल रहा हूँ। मीन लुक एट यू, कितनी सीरियस उर्दू बोल रही हो, मुजरिम। हाँ मैंने करो तो लेन हेदर और इस पर चपटाई के अफसाने पढ़ना शुरू कर दिए। किसकी ताई के अफसाने?
इस्मत चुगताई बहुत बड़ी फेमस उर्दू की राइटर थी। ओह ओके, तो उनकी राइटिंग्स में से जो हमारी सिचुएशन है इसको लेके कोई रहनुमाई हुई? उनके अफसानों में मर्दों से बहुत खबरदार रहने को कहा गया। खबरदार? यस। तो तुम रहोगी खबरदार? अजीब सी सिचुएशन है, आई जस्ट डोंट नो। अच्छा चलो खबरदार छोड़ो, ऑर्डर करें पर खबरदार। माजरत चाहता हूँ बेटा, यूं बगैर बताए बगैर पूछे मुंह उठाकर चला आया। अंकल, रूहान ने कुछ कहा है आपसे? हाँ कहा है, मगर जबान से नहीं, फिर आंखों में एक दास्तान लिखी हुई है। बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मेरी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट पर शायद आपको एतराज हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी और रूहान की शादी के बाद मैं आप दोनों से दूर चला जाऊँगा ताकि आप लोगों की प्राइवेसी मुतासर ना हो। आप समझ गए ना बेटा? कहने को थोड़ी अजीब सी बात है, आपको पता है मेरे मामू ने भी बचपन से मुझे स्वीटी कहकर बुलाया है। इतने कम टाइम में इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत से इतनी बार बेटी किसी ने नहीं कहा। हाँ तो आप रूहान की जिंदगी में उसके पार्टनर और मेरी बेटी बनकर तो आई हैं, है ना? जी हाँ। और देखिएगा, अगर आपको आपकी बेटी पे पूरा यकीन है तो इंशाल्लाह हम मिलकर ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। यही सुनना चाहता था। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।